नालागढ़ पुलिस ने पंजाब के दो युवकों से बरामद किया 14.7 ग्राम चिट्टा। पुलिस ने चिट्टे समेत दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। नालागढ़ कोर्ट में पेश करने के बाद लिया जाएगा रिमांड पर। रिमांड के दौरान और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद। थाना प्रभारी नालागढ़ श्यामलाल। जिला पुलिस बद्दी द्वारा नशे के खिलाफ छेड़े के विशेष अभियान के तहत नालागढ़ के न्यू नालागढ़ कॉलोनी के साथ रखराम सिंह कॉलोनी से पंजाब के दो युवकों से भारी मात्रा में चिट्टे की खेप पकड़ने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पंजाब के दो युवक अवैध नशे की सप्लाई लेकर नालागढ़ की ओर आ रहे हैं और यहां पर चिट्टे की तस्करी के लिए आ रहे हैं, तो पुलिस की टीम ने जाल बिछाकर दोनों युवकों को चिट्टे समेत गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों आरोपियों से तलाशी के दौरान 14.7 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके आगामी जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को नालागढ़ कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड के दौरान पूछताछ में उन्हें और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है कि आरोपी कहां से अवैध नशा लेकर आते थे और कहां कहां सप्लाई किया करते हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपियों से पूछताछ के बाद इस घातक नशे के मुख्य माफिया तक भी पहुंचा जा सकता है। मामले की पुष्टि थाना प्रभारी नालागढ़ श्यामलाल ने की है। नेशन न्यूज के लिए नालागढ़ हिमाचल प्रदेश बद्दी से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। मामला है चिट्टे का, तो क्या बोलना चाहिए। कल हमारी टीम शाम को करीब 4:30 बजे न्यू नालागढ़ में पेट्रोलिंग पर थी तो सूचना मिली कि एक रखराम में एक CH नंबर की गाड़ी स्विफ्ट डिजायर, उसमें दो लोग हैं जो चिट्टा बेचने की फिराक में, जिस पर हमारी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन दोनों युवकों को दबोचा। इनके नाम जगदीश सिंह सन ऑफ अंग्रेज सिंह, गुरुप्रीत सिंह सन ऑफ जोगा सिंह, ये दोनों मच्छीवाड़ा पंजाब के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 14.7 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है, इनको भी अरेस्ट कर लिया है। आज माननीय अदालत में इनको पेश किया जाएगा और उसके सोर्स के बारे पता किया जाएगा। हम पकड़ ही रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा स्थानीय जनता से कि जिस भी व्यक्ति के पास इस तरह के लोगों की सूचना हो, कृपया वो हमारे साथ शेयर करें। उनका नाम बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा और जब तक जनता साथ नहीं देगी तो कई बार बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर हम अपना कार्य जो है वो निरंतर कर रहे हैं, करते जाएंगे। जनाब SP साहब के इस मामले में सख्त आदेश है कि जीरो टॉलरेंस बरती जाए, तो उस नीति के तहत काम कर रहे हैं। तो ये निवेदन रहेगा स्थानीय जनता से कि जिस भी व्यक्ति के पास इस तरह के लोगों की सूचना है, कृपया साझा करें और उनका नाम बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।